नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गणेश जी क्यों है इतने पूजनीय। गणेश जी के प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है, परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणपति जी आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूस और कालीकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। इस गंधर्व ने सोहरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूसक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूसक का नाम डिंक था। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियाँ भी हैं। बुधवार, अनंत चतुर्दशी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तक शनिदेव के देखने से भस्म हो गया था। शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया था। इनमें से सबसे प्रचलित कथा शिवजी द्वारा मस्तक काट देने की कथा है। इसके बाद उनके धर पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख और गजानन कहलाए। हिंदुओं को लगभग सभी देवी देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गणेश जी की मूर्ति और उनके चित्रों में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए दिखाया जाता है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया जाता है। गणेश जी ने देवांतक, नरांतक, सिंधुरासुर, मत्स्यासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। धन्यवाद।